नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। अरे मुद्दों की बात करिए, रोजगार की बात करिए। जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। विरोध जो कर रहे हैं उनको तो मकसद ही विरोध है। सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक हाई वोल्टेज डिबेट होने वाली है। मुद्दा है कॉमन सिविल कोड, यानी देश में सबका कानून एक, मतलब किसी धर्म का कोई पर्सनल कानून नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जो भी हिंदुस्तान में रहेगा उसे सिर्फ एक ही कानून का पालन करना होगा। ये कानून लाना सही है या गलत है, इस पर अलग अलग राय है और आज वो सारे पक्ष हमारे स्टूडियो में मौजूद भी हैं। लेकिन एक बात जिस पर कोई दो राय नहीं है कि कॉमन सिविल कोड 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि बात अब खुद प्रधानमंत्री की जुबान से निकली है तो जाहिर है बहुत दूर तक जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब संविधान भी एक समान कानून की बात करता है, कहता है, तो देश में दो कानून कैसे हो सकते हैं। वो वोट बैंक के भूखे लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड पर लोगों को भड़का रहे हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत करूं उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये आपको पहले सुना देते हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है। सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग